राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को एक ही चरण में राजस्थान में वोटिंग होगी। वहीं इसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां राजस्थान में तेज हैं। एक बड़ा सवाल जो प्रदेश के सियासी गलियारों से लेकर जनता के मन में लगातार उठ रहा है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस नेता को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर देखेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सीएम के चेहरे के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ही आगे करने वाली है? यह बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, लेकिन राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि आखिरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है तो बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि पूर्व में वसुंधरा राजे ने राजस्थान की कमान संभाली थी और उसके बाद राजस्थान को बेहतरीन तरीके से चलाने का प्रयास किया था। लेकिन एक बार फिर अब सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय गृह मंत्री ने कह दिया कि भैया चुनाव जो है कमल के निशान पर होगा, कमल के निशान जीतने के बाद मुख्यमंत्री चेहरा तय किया जाएगा, ये जनता तय करेगी किसे मुख्यमंत्री बनाना है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से राजस्थान में चुनाव होता है और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनता है।